और डिसिप्लिन ही ही हमारा विश्वास है। हम यही मानते हैं कि अगर डिसिप्लिन वही डिसिप्लिन टीचर में है तो वही डिसिप्लिन स्टूडेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही टाइम पे अगर हम टाइम से पहले नहीं आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। वैसे ही अगर आप टाइम से पहले आकर पढ़ेंगे नहीं और सही तरीके से उसको लेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। सो डिसिप्लिन भी हम आपको सिखाएंगे, बिजनेस के तरीके भी हम आपको सिखाएंगे, टूल्स कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, सबसे सस्ते टूल, अच्छे और क्वालिटी वाले टूल भी हम आपको दिलाएंगे, आपके सेटअप बनवाने में आपकी मदद करेंगे, कैसे सेटअप बनाना है, टेबल्स कैसी होनी चाहिए, कहाँ दुकान लेना है, बिजनेस स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस को ग्रो करे वो हम आपको बताएंगे, आपके हाथ को पकड़ के हम करवाएंगे। सो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप आएंगे और एक प्रैक्टिकल लैब में हमने बना दी है और आप बैठ जाएंगे और टीचर को पता ही नहीं है कि आप बैठे हैं और कौन सी पीसीबी लेके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर की बहुत बड़ी टीम है जो आपको हर समय नज़र रखती है और जो आपको एक होमवर्क देती है और जो आपको ट्रेसिंग और लाइव प्रैक्टिकल कराती है। चालू हैंडसेट से लाइव प्रैक्टिकल कराने के बाद आपको हर लाइन की वोल्टेज, हर लाइन की जीआर, हर लाइन की फ्रिक्वेंसी डीएसओ से मालूम होती है, तो जाके दोस्तों एक ऐसा फीलिंग आता है ना कि ऐसा लगता है कि यार काश ये काम 2 साल पहले 1 साल पहले ज्वाइन कर लिया होता। सो आप इस स्टेंसिल को फुला देते हैं या आप कोशिश कर रहे हैं, वन टाइम में नहीं लगती है या फिर सेट डेड हो जाता है या आपने किया ही नहीं है, तो दोस्तों गारंटी के साथ एसर टेलीकॉम आपको इस बात की फुल गारंटी देता है कि 3 दिन में आप अपने सेट की पावर एसी, जो आप हम 3 दिन में 4G हैंडसेट की पावर एसी को लगा के निकाल के चालू करेंगे, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। तो ये चीज़ हम आपसे करवाएंगे और उसके बाद आपको गारंटी देते हैं उसके अगले दिन कि आपको सीपीयू निकलवा के हम लगवाएंगे उसी सेट का। इंडिया में मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जो लोग बताते नहीं हैं, पहली वो पूरा कंटेंट कभी देता नहीं है, वो हमेशा बहुत सी चीज़ों को छुपा के चलते हैं, वो बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे एक सेक्शन ले लो, जैसे चार्जिंग सेक्शन है, तो उसमें कुछ कंटेंट बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, तो रीज़न क्या होता है वो हाइड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार मैं सब कुछ क्यों बता दूं मैं किसी को। तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है दोस्तों, हमारी पॉलिसी तो ये है कि अगर हमारा जो सेक्शन है उसमें पूरा खुल के बताते हैं, क्योंकि और उसी के बाद स्टूडेंट को इतना अनुभव मिलता है कि वो अपने खुद का एक इंस्टीट्यूट भी खोल लेता है। हमें धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ता है, पर हम फिलहाल जो कोर्स कंटेंट होता है उसमें हम इतना पढ़ा देते हैं कि आप तैयार हो जाते हो, आप अपनी दुकान पे काम करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं मोबाइल को डायग्नोस कर सकता हूँ, आईसी निकाल सकता हूँ, रिवॉल्व कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ और ईएमसी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, सीपीयू को पहचान सकता हूँ, आईसीयू को पहचान सकता हूँ, बोर्ड में देखने का नजरिया बदल सकता है और बहुत सी डायग्राम, स्कीमेटिक, कोडिंग, बोर्नियो, प्रगमाफिक्स या बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं उस पर काम कर सकता हूँ, टूल्स का नॉलेज हो सकता है, डीएसओ का नॉलेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ नॉलेज लेने के बाद आप बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं, आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये सारी चीज़ नॉलेज आपको मिलेगी। आपको पूरे कंटेंट दिया जाता है जिसमें आपको क्या क्या लाना है, क्योंकि दोस्तों सीखने के वक्त आपके पास बहुत सारा कंटेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो वो कंटेंट आपके साथ तैयार करवाया जाता है और वो बहुत ही स्पेशल होता है, उसको मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता, जब आप कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, वो भी एडमिशन के बाद, तो वो कंटेंट आपको बताया जाएगा और वो कंटेंट आप आपकी स्वेच्छा से ला सकते हैं, जिसमें आपको इतना मज़ा आएगा काम करने में, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ अगर मैं 1 साल पहले 2 साल पहले या बहुत पहले कर लेता तो आज किधर होता। ये तो आपने सुना ही होगा हमारे स्टूडेंट के कई बार रिव्यू लेने के टाइम पे, जो भी कहूँगा मैं अपने मुंह से जो सच्ची कहूँगा, बट आपको ये बिलीव करना होगा और अगर आप करना चाहते हैं तो आप फेसबुक जाके लाइव खुद बच्चों के मुंह से देख सकते हैं और हमें क्लासों की टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारी क्लासों की जो टाइमिंग है वो सुबेरे 7:30 बजे से रात के 10:30 या 11 बजे तक होती है, कई बार हमारी क्लासेस रात के 11:30 बजे तक भी चलती है। आप देखिए कितने घंटे, अब इसमें आप सोचेंगे अरे इसमें तो सर आप 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का ब्रेक देते होंगे, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पहला जो ब्रेक होता है वो 11:30 बजे होता है और 11 से 1/2 घंटे का उनको ब्रेक मिलता है जिसमें वो खाना खाते हैं। उसके बाद हमारा जो ब्रेक होता है वो लगभग 3 बजे मिलता है, उसमें भी उनको 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। और उसके बाद तीसरा जो लास्ट ब्रेक होता है वो 5:30 बजे होता है, जिसमें भी उनको सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग, मेरा नाम है देवधन अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम देवधन अग्रवाल ऑफिशियल चैनल। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी खास है, अगर आप एसर टेलीकॉम से जुड़ना चाहते हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, आप एक अपने शॉप के ऑनर होने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के भरोसे बैठे हैं, अगर आप
बहुत सारी जगह फंस रहे हैं, या आप एक नया धंधा सोच रहे हैं कि एक नया धंधा या एक नया बिजनेस, या आप एक नई फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जानकारी है दोस्तों, ये जानकारी बहुत कम जगह या बहुत कम यूट्यूब चैनल में आपको मिल सकती है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको डेट और तारीख बता दूं, तो ये वीडियो है बेसिकली जुलाई महीने का और ये है 2022। सो दोस्तों, ये वीडियो पर्पसली जो बनाया जा रहा है, ये हमारे एशिया टेलीकॉम के इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आप जब हमें कॉल करें तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से हो। आप हाँ, अगर चिप लेवल हार्डवेयर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC या EMCP या JTAG या जो भी हम बोलें इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और कहां कहां आप हमें सर्च कर सकते हैं, कहां कहां आप हमें ढूंढ सकते हैं, कहां कहां आप हमें एज अ डेमो देख सकते हैं, तो वो भी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको हम कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें जो चैनल देख रहे हैं ये है देवतन अग्रवाल ऑफिशियल चैनल पे, हो सकता है ये एशिया टेलीकॉम के चैनल पे भी आ जाए वीडियो। आप एशिया टेलीकॉम को अगर सर्च करेंगे, एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग चिप, तो आपको हमारे ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा जहाँ 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है हमारे। दूसरा मेरा देवतन अग्रवाल का चैनल आप ढूंढ सकते हैं जहाँ तकरीबन 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर है। और सबसे मेन बात दोस्तों, वहाँ पे एशिया टेलीकॉम की जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे डेली डे बाय डे की करेंट क्लास के वीडियो डलते हैं, जिसमें पूरा एक जर्नी होती है एक दिन की, और उसमें बताया जाता है किस तरह से सुबह क्या पढ़ाया गया है, दोपहर में क्या पढ़ाया गया है, शाम को कैसे प्रैक्टिकल कराया गया है, और रात में उनके आउटपुट की वो क्या लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं यही चीज़, तो आप फेसबुक में जाइए और सर्च कीजिए एशिया टेलीकॉम। सिर्फ आपको विदाउट स्पेस एशिया टेलीकॉम लिखना है, तो आपको विदाउट स्पेस एशिया टेलीकॉम लिखना है, और आप फेसबुक पेज में जाके एशिया टेलीकॉम सर्च कर सकते हैं। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस मोबाइल इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे 1 लाख फॉलोअर्स जुड़े हों। तो हमारे जो फेसबुक पेज में, उसमें 1 लाख फॉलोअर्स है, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज में और फॉलो कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको डेली लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी सुबह दोपहर शाम, और रात का जो कंटेंट है वो सबसे स्पेशल कि स्टूडेंट क्या लेके जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको एशिया टेलीकॉम के कंटेंट पे देखने को मिल सकती हैं। हमारे 2 नंबर हैं, एक है 9644139972 और एक है 7007311192, और एक और उसके साथ नंबर है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे जो कॉलिंग टीम में है वो है फातिमा मैडम, जो आप कॉल करेंगे 11 बजे से, सुबह के 11 बजे से, मॉर्निंग के 11 बजे से, रात के 11 बजे से, बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरे आपको जो कॉल उठाएंगे वो उठाएंगे MD सर, जो आपको बहुत डिटेलिंग में आपको बात करेंगे। आप अगर फातिमा मैडम से भी बात करते हैं तो आप उसके साथ MD सर से भी बात कर सकते हैं। सो जिसमें आपकी डिटेलिंग भरेगी, क्योंकि बाद में तो MD सर आपको बात करेंगे ही, क्योंकि आपको पहले तो एडमिशन प्रोसेस समझाया जाता है। एक बार एडमिशन लेने के बाद फिर जब बेसिकली आपका टाइम आता है, जैसे सपोज हमारी हर महीने की क्लास 28 तारीख को लगती है। अब जैसे मान लीजिए आपने आज एडमिशन लिया, सपोज मान लो आज 5 या 6 तारीख है, और आपने 28 तारीख को एडमिशन लिया, और आप जब 20 तारीख आ जाती है तब आपको कॉल करके, हालांकि आपको हर 5 दिन बाद एक कॉल किया जाता है एक इन्फॉर्मेशन के लिए, और आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं। आपको पूरे कॉन्टेंट दिया जाता है जिसमें आपको क्या क्या लाना है, क्योंकि दोस्तों सीखने के वक्त आपके पास बहुत सारा कॉन्टेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो वो कॉन्टेंट आपके साथ तैयार करवाया जाता है, और वो बहुत ही स्पेशल होता है, उसको मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता। जब आप कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, वो भी एडमिशन के बाद, तो वो कंटेंट आपको बताया जाएगा, और वो कंटेंट आप आपकी स्वेच्छा से ला सकते हैं, जिसमें आपको इतना मजा आएगा काम करने में, आपको लगेगा कि यार ये चीज अगर मैं 1 साल पहले 2 साल पहले या बहुत पहले कर लेता तो आज किधर होता। ये तो आपने सुना ही होगा हमारे स्टूडेंट के कई बार रिव्यू लेने के टाइम पे उनसे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आप दुकान पे हैं, आप डिस्प्ले OC का काम कर रहे हैं, आप चार्जिंग कनेक्टर या फिर आप एक छोटा मोटे रिपेयरिंग का काम करते हैं, और आप चाहते हैं कि CPU MMC पे काम करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो फॉल्ट अब वो चार्जिंग रिंगर इसके फॉल्ट होते हैं ना, ये थोड़े माइनर फॉल्ट होते हैं, ये फॉल्ट कम फॉल्ट आते हैं। अगर आप दुकान में हैं तो ये फॉल्ट तो खैर आते ही रहते हैं, पर ज़्यादातर जो फॉल्ट होते हैं वो होते हैं डैड
ज़्यादातर फॉल्ट जो होते हैं वो है नेटवर्क सेक्शन, ज़्यादातर फॉल्ट जो होते हैं वो बड़े बड़े सेक्शन है, जैसे चार्जिंग सेक्शन में आदमी फंस रहा है तो वो बना नहीं पाता है। जैसे सैमसंग के डुअल डेकर या जिसको हम बोल सकते हैं ना कि आजकल जो डुअल डेकर के हैंगिंग लोगो या फिर रीस्टार्ट, ये सारे जो फॉल्ट आ रहे हैं, वन प्लस के क्रैश जंप, सो ये सारे जो फॉल्ट आ रहे हैं इनमें मास्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मास्टर होने के लिए इन पर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोच लेंगे कि एक दिन किसी के यहाँ बैठ कर, या अगर आप सोच लेंगे कि 10 दिन या 20 दिन आप किसी के यहाँ बैठ कर अगर ये काम कर लेंगे, तो दोस्तों मास्टर कभी भी 10 या 20 या 30 दिनों में नहीं बन सकते, ना हम आपको 1 महीने में बना सकते। हालांकि हम इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिन देने वाले पहले इंस्टीट्यूट हैं जो कि 30 दिन आपको दे रहे हैं। बट मास्टर बनने के लिए दोस्तों आपको किसी इंस्टीट्यूट से जीवन भर जुड़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बैकअप सपोर्ट। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि ये एक बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है, और जिसकी ये एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, जिसको हम एक बार छोटे दिनों में नहीं पढ़ सकते, तो उसको हमें धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ता है। पर हम फिलहाल जो कोर्स कंटेंट होता है उसमें हम इतना पढ़ा देते हैं कि आप तैयार हो जाते हो, आप अपनी दुकान पे काम करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं मोबाइल को डायग्नोस कर सकता हूँ, आईसी निकाल सकता हूँ, रिवॉल्व कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ, और ईएमएमसी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, सीपीयू को पहचान सकता हूँ, आईसीओ को पहचान सकता हूँ, बोर्ड में देखने का नजरिया बदल सकता है, और बहुत सी डायग्राम, स्कीमेटिक, कोडिंग, बोर्नियो, प्रगमाफिक्स या बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं उस पर काम कर सकता हूँ, टूल्स का नॉलेज हो सकता है, डीएसओ का नॉलेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ नॉलेज लेने के बाद आप बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं। आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये सारी चीज़ नॉलेज आपको मिलेगी। पर दोस्तों उसके बाद जो प्रो लेवल आता है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आता है। अब उस प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो आपको क्लियर होते हैं बहुत सारे। और दोस्तों उसके बाद फिर टाइम आता है प्रो लेवल का। प्रो लेवल आपको आता है प्रैक्टिस पर, और प्रैक्टिस के बाद जब आपको बहुत सारे डाउट होते हैं तभी वो जो इंस्टीट्यूट है जो आपसे जुड़ा रहता है वो आपके डाउट क्लियर कराता है, और उसके लिए आपको बैकअप सपोर्ट की क्लास में आते हैं। जब आप 2-3 महीने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 3-4 महीने और जितना भी आपने पढ़ा, क्योंकि दोस्तों दिमाग एक कंप्यूटर की मेमोरी तो है नहीं है, एक आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज की आपने 8 TB आपका दिमाग है, आपने 500 GB फाइल डाल दी तो डल गई। दोस्तों ये दिमाग हमारा कैपेबल उन चीज़ों को स्टोर करने में होता है जिसको हम लगातार या किसी चीज़ को कंसिस्टेंसली करते हैं। मान लीजिए आज आपने कोई काम किया और कल आपने कोई अलग काम किया, सो जब तक आप एक काम को लगातार करते रहेंगे तो ही वो कंसिस्टेंसी आपके दिमाग में बैठ जाती है। सो इसलिए हमेशा कहा जाता है प्रैक्टिस। जब आप एक बार किसी फॉल्ट को बना लेते हैं ना तो वो दिमाग में बैठ जाता है। जब आप किसी एक को ट्रेसिंग कर लेते हो वो दिमाग में बैठ जाता है, और फिर आपको उसके बाद जाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो तब जाके वो फॉल्ट आपके दिमाग में बैठता है और वो प्रो लेवल एक आता है। देखो ये सब कुछ मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, है ना, एक्सपीरियंस है दोस्तों। मुझे इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, 2013 के बाद से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। सो इंडिया में जो ट्रेंड चला ना, इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं हर जगह, तो 6 महीने वाले, 2 महीने वाले, 4 महीने वाले। आप अगर एसर टेलीकॉम की बात करेंगे तो एसर टेलीकॉम के बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं और जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो उस स्टूडेंट से भी आप बात कर सकते हैं, हम उनके आपको नंबर भी अलाउट कराएंगे जब हमें आप हमसे पूछेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने आप खुद के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो वो उनको नॉलेज जो मिला जब वो हमारे पास आए थे तो दोस्तों तुझे पकड़ने की हालत में नहीं थे, पर आज स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेवल पे जाकर अपने एक बहुत बड़ा बिजनेस में रन कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया में मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जो लोग बताते नहीं हैं, पहली वो पूरा कंटेंट कभी देता नहीं है, वो हमेशा बहुत सी चीज़ों को छुपा के चलते हैं। वो बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे एक सेक्शन ले लो, जैसे चार्जिंग सेक्शन है, तो उसमें कुछ कंटेंट बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। तो रीज़न क्या होता है, वो हाइड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार मैं सब कुछ क्यों बता दूँ मैं किसी को। तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है दोस्तों। हमारी पॉलिसी तो ये है कि अगर हमारा जो सेक्शन है उसमें पूरा खुल के बताते हैं, क्योंकि और उसी के बाद स्टूडेंट को इतना अनुभव मिलता है कि वो अपने खुद का एक इंस्टीट्यूट भी खोल लेता है। यही चीज़ होती है कि बैकअप सपोर्ट, जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और फुल टाइम, जिसको आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास 4-7 साल बाद आए हैं और जिन्होंने और जो हमसे फ्री में बैकअप लेकर गए हैं, बस उनके रहने और खाने का पैसा उन्होंने दिया है, जो कि हम उनको 3 दिन का सपोर्ट देते हैं, और उसके साथ हमारी व्हाट्सअप कॉलिंग, हमारी अगर बात करें टीम व्यूवर की आईडी से हम उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो मैनेजमेंट टीम है। दोस्तों किसी इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूशंस होना ये निर्भर करता है कि आपकी टीम कितनी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी टीम है, आपको सॉफ्टवेयर में एक अलग टीचर मिलेंगे, ईएमएमसी में अलग टीचर मिलेंगे, आपको बैकअप टीम में अलग टीचर मिलेंगे, इवन सब मिलाकर बैकअप भी देते हैं, और साथ में हार्डवेयर में एक अलग टीचर मिलेंगे। कॉलिंग डिपार्टमेंट अलग है हमारा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है,
जयपुर में जब आप आएंगे तो आपको रहने खाने की जो सुविधा वो बिल्कुल फ्री होगी और वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड होगी। आपको रहने खाने का कोई भी आपको पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। अब वो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, वो हमको ही पे करना है। दोस्तों एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ पर जो टाइमिंग है वो आप अगर मैं बोलूँगा तो आपको साथ हंसी आएगी, आप बोलूँगे नहीं सर आप तो मजाक कर रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, पर आप सच बताइए। अब मैं सच अपने मुँह से जो भी कहूँगा मैं अपने मुँह से जो सच ही कहूँगा, बट आपको ये बिलीव करना होगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप फेसबुक में जाके लाइव खुद बच्चों के मुँह से देख सकते हैं और हमें क्लासों की टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारी क्लासों की जो टाइमिंग है वो सुबेरे 7:30 बजे से रात के 10:30 या 11 बजे तक होती है। कई बार हमारी क्लासेस रात के 11:30 बजे तक भी चलती है। आप देखिए कितने घंटे, अब इसमें आप सोचेंगे अरे इसमें तो सर आप 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का ब्रेक देते होंगे, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पहला जो ब्रेक होता है वो 11:30 बजे होता है और 11 से 1/2 घंटे का उनको ब्रेक मिलता है जिसमें वो खाना खाते हैं। उसके बाद हमारा जो ब्रेक होता है वो लगभग 3 बजे मिलता है, उसमें भी उनको 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। और उसके बाद तीसरा जो लास्ट ब्रेक होता है वो 5:30 बजे होता है जिसमें भी उनको सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद पूरी क्लास उनकी रात के 10:30 बजे तक चलती है, तब तक जब तक कि एक एक बच्चे को समझ में ना आए। हमारे जो एक गारंटी होती है हर बच्चे को समझाने की, जैसे मान लीजिए आपने अभी जीवन में अगर कभी आईसी नहीं लगाई है या आप कभी आपका हाथ कब का पता है, आप स्टेंसिल को फुला देते हैं या आप कोशिश कर रहे हैं वन टाइम में नहीं लगती है या आपसे सेट डेड हो जाता है या आपने किया ही नहीं है, तो दोस्तों गारंटी के साथ एसर टेलीकॉम आपको इस बात की फुल गारंटी देता है कि 3 दिन में आप अपने सेट की पावर आईसी, जो आप हम 3 दिन में 4G हैंडसेट की पावर आईसी को लगा के निकाल के चालू करेंगे, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। तो ये चीज़ हम आपसे करवाएंगे और उसके बाद आपको गारंटी देते हैं अगले उसके अगले दिन कि आपको CPU निकलवा के हम लगवाएंगे उसी सेट का, जिस आपके हाथ को पकड़ के, आपके हाथ को पकड़ के हम करवाएंगे। सो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप आएंगे और एक प्रैक्टिकल लैब में हमने बना दी है और आप बैठ जाएंगे और टीचर को पता ही नहीं है कि आप बैठे हैं और कौन सी PCB लेके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर की बहुत बड़ी टीम है जो आपको हर समय नज़र रखती है और जो आपको एक होमवर्क देती है और जो आपको ट्रेसिंग और लाइव प्रैक्टिकल कराती है। चालू हैंडसेट से लाइव प्रैक्टिकल कराने के बाद आपको हर लाइन की वोल्टेज, हर लाइन की GR, हर लाइन की फ्रिक्वेंसी DSO से मालूम होती है, तो जाके दोस्तों एक ऐसा फीलिंग आता है ना कि ऐसा लगता है कि यार काश ये काम 2 साल पहले 1 साल पहले ज्वाइन कर लिया होता। सो ओवरऑल आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो अपना बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। मैं अपने इंस्टीट्यूट को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत पहले से और बहुत अनुभव से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं अपनी बात करता हूँ, अपने नॉलेज की बात करता हूँ और फ़ायदा उसी में है कि आप केवल अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएं और केवल अपनी बात करें। और दोस्तों अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नीचे नंबर पर कॉल जरूर करें और मैसेज अगर आप कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कॉल करें, क्योंकि मैसेज के रिप्लाई थोड़े मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि हमारी कॉलिंग टीम मैनेजमेंट जो होते क्योंकि जो हमारी कॉलिंग मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी बिजी रहती है और हर बार मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती है। इसलिए कॉलिंग अगर आप करेंगे, अगर आपने मिस कॉल भी कर दिया, अगर आपने कॉल किया 2-3 बार आपका कॉल नहीं उठाया गया तो आपको कॉल जरूर आ जाएगा। दोस्तों एसर टेलीकॉम में आना है ना तो बेहतर फ्यूचर के लिए आना, एसर टेलीकॉम में आना है ना तो लंबे समय में जुड़ने के लिए आना, एसर टेलीकॉम में आना तो एक गारंटी लेके आना खुद के विश्वास की, एसर टेलीकॉम में आना है ना तो एक अच्छा टेक्निशियन बनने आना, एसर टेलीकॉम में आना ना तो बहुत बड़ा सोच के आना, एसर टेलीकॉम में आना ना तो जो दिमाग है ना वो घर पे छोड़ के आना, सब कुछ हमारे भरोसे पे रखना। एसर टेलीकॉम आना है ना तो अपने लिए कुछ नए सपने लेके आना। अगर एसर टेलीकॉम आना है ना दोस्तों तो ज़िंदगी बदल दूंगा, लाइफ बदल दूंगा, आई कैन चेंज योर लाइफ। एसर टेलीकॉम अगर ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइफ हम चेंज कर देंगे, आपको वो स्किल और वो नॉलेज देंगे जिससे आपकी सोचने की क्षमता बदलेगी। और सबसे बड़ी बात जो आप एसर टेलीकॉम में सीखेंगे वो है डिसिप्लिन, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ डिसिप्लिन एक गुरुकुल की जैसे है और डिसिप्लिन ही हमारा विश्वास है। हम यही मानते हैं कि अगर डिसिप्लिन वही डिसिप्लिन टीचर में है तो वही डिसिप्लिन स्टूडेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही टाइम पर, अगर हम टाइम से पहले नहीं आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, वैसे ही अगर आप टाइम से पहले आकर पढ़ेंगे नहीं और सही तरीके से उसको लेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। सो डिसिप्लिन भी हम आपको सिखाएंगे, बिजनेस के तरीके भी हम आपको सिखाएंगे, टूल्स कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, सबसे सस्ते टूल, अच्छे और क्वालिटी वाले टूल भी हम आपको दिलाएंगे, आपके सेटअप बनवाने में आपकी मदद करेंगे, कैसे सेटअप बनाना है, टेबल्स कैसी होनी चाहिए, कहाँ दुकान लेना है, बिजनेस स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस को ग्रो अप करे वो हम आपको बताएंगे। ओवरऑल आपको जो एक्सपीरियंस हमसे मिलने वाला है एक एक्सपीरियंस संस्था से ही मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और
आप हमें कॉल जरूर कीजिए और मिलते हैं क्लास में, और आपके साथ पहले दिन में ही मिलूंगा देवेंद्र अग्रवाल, जो आपको हार्डवेयर और पूरी नॉलेज दूंगा, एक आपके पीसीबी देखने का आपका नज़रिया मैं ही चेंज करवाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बस यही चाहूँगा कि अपने स्किल को आगे बढ़ाइए, घर पे मत बैठिए, और घर पे बैठ के अपने दिनों को कम मत करो दोस्तों, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाओ। दुनिया 4G से 5G में जा रही है, तो इस फील्ड में जल्दी से एंटर कर लो, ताकि इस 4G वाली फील्ड को समझ लो, ताकि 5G वाली फील्ड को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।